हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों के लिए चॉकलेट बॉल की रेसिपी लेके आई हूँ। आपने अक्सर देखा होगा मिठाई की दुकान में ये चॉकलेट बॉल्स बहुत महंगी मिलती हैं, तो इसीलिए मैं आज ये रेसिपी लेके आई हूँ जो कि बहुत ही डिलीशियस और टेस्टी है, बच्चों को और बड़ों को बहुत पसंद आती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। यहाँ मैंने दो ओरियो बिस्किट ले लिए हैं, एक ब्राउन वाला और एक वाइट क्रीम वाला। देखिए इस तरीके से चाकू की मदद से मैं ये क्रीम एक कटोरी में, ब्राउन वाली क्रीम एक कटोरी में डाल रही हूँ और बिस्किट को अलग रख लेंगे। और इसी तरीके से हम वाइट क्रीम को भी दूसरी कटोरी में इकट्ठा कर लेंगे। और ये दो मैंने क्रीम्स अलग अलग कटोरियों में रख ली और इन बिस्किट्स को हम ग्राइंड कर लेंगे और एक बढ़िया सा पाउडर बना लेंगे इन बिस्किट का। अब मैंने एक बाउल में दो चम्मच कंडेंस मिल्क डाल दिए हैं। और अब इसमें हम डाल देंगे जो हमारे पिसे हुए बिस्किट हैं वो, और इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स। और इसका अब हम डो तैयार करेंगे। इसको मैं दूध से गूंदूंगी जैसे हम आटा तैयार करते हैं उस तरीके से। लेकिन फ्रेंड्स इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ये बहुत पतला डो तैयार नहीं करना, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 चम्मच दूध का यूज़ होगा। इस तरीके से हम इसका डो तैयार कर लेंगे। अब देखिए ये दो क्रीम्स के हम बॉल्स बनाने हैं, तो मैंने ब्राउन क्रीम को अंदर और वाइट क्रीम उसके ऊपर लपेट दी है। और आप चाहें तो दोनों क्रीम को आप मिक्स भी कर सकते हैं और उसकी बॉल्स बना सकते हैं, जैसे आपको इजी लगे आप उस तरीके से इसकी बॉल्स तैयार कर लीजिएगा। और अगर आपको लग रही है कि ये क्रीम काफ़ी सॉफ्ट हो गई है तो आप इसको फ्रिज में रख के सही भी कर सकते हैं, थोड़ा हार्ड कर सकते हैं, फिर वे आराम से बॉल्स बन जाएंगी। और इसी तरीके से हम अपनी सारी बॉल्स तैयार कर लेंगे। अब मैं ये देखिए जो हमने डो तैयार किया था बिस्किट का आटे का, उसका मैं एक पेड़ा बना रही हूँ और उसमें और ये जो क्रीम है वो फिल कर दे रही हूँ और ऐसे एक राउंड शेप दे रही हूँ। आप चाहें तो पेड़े का शेप भी दे सकते हैं, मैं यहाँ राउंड शेप दे रही हूँ। और इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि इसमें क्रैक्स ना आए। और बॉल्स आप बड़ी भी कर सकते हैं, छोटी भी बना सकते हैं। और फ्रेंड्स इस बिल्कुल ये मत सोचिएगा कि ये ओरियो का टेस्ट आएगा इसमें एक डिफरेंट टेस्ट आएगा, बहुत ही अलग सा, बहुत ही टेस्टी। और ये ट्राई करने वाली रेसिपी है, ये ज़रूर ट्राई करिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आएगी। और इसको इस तरीके से हम सारी बॉल्स तैयार कर लेंगे। और यहाँ मैंने चॉकलेट ली है, डार्क चॉकलेट, उसको माइक्रोवेव कर लिया, मेल्ट कर लिया। और एक प्लेट पे मैंने थोड़ा सा घी लगा के उस प्लेट को ग्रीस कर लिया। अब हम एक एक बॉल उठाएंगे और चॉकलेट में डिप करेंगे और साइड में रखते जाएंगे। ये देखिए दूसरे स्पून की हेल्प से। और फ्रेंड्स इस बीच एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करा करिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। अब देखिए फ्रेंड्स ये सारे मैंने बॉल्स रख ली हैं और इस पर हम डेकोरेशन के लिए मेरे कुछ स्प्रिंकल्स हैं वो मैं डाल दे रही हूँ। और अगर आपके पास नहीं है तो आप
चीनी भी डाल सकते हैं। और ये देखिए, इसको मैंने फ्रिज में आधा घंटा स्टोर कर लिया था जिससे कि ये हार्ड हो जाए। अब हम दूसरी प्लेट में इसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं। एक मैं आपको काट के दिखा देती हूँ। ये देखिए कितना बढ़िया अंदर का टेक्सचर आया है और ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी है। तो फ्रेंड्स, अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिए। फिर मिलते हैं एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।